झारखंड के चंदन कियारी से बीजेपी विधायक अमर बावरी को बीजेपी ने अपना विधायक दल का नेता बनाया है। वहीं अमर बावरी के विधायक दल का नेता बनने के बाद से ही लगातार नेताओं का उन्हें बधाई देने का सिलसिला जारी है। इस बीच सुरेश कुमार महतो ने भी अमर बावरी को बधाई दी है और इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष रहे ना रहे उससे सत्ता में बैठे लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका खासा असर झारखंड में देखने को मिला। एक पूरी अवधि समाप्त होने जा रही है। विपक्ष के नेता की अपना भूमिका होती है, अपनी मान्यता और उनका अपना योगदान होता है, वो बिल्कुल आईना की तरह वो रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन इस प्रदेश के अंदर में ये चीजें कॉमन हो गई है, किसी को इस बात की चिंता नहीं है। राज्य में कोई पक्ष रहे विपक्ष रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक व्यवस्था बनी हुई है जो व्यवस्था स्वीकार्य नहीं है, लेकिन चूंकि जो सत्तासीन लोग हैं वो इस व्यवस्था को चलाना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की बात करें तो उन्होंने सुदेश महतो के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्होंने बेवजह सरकार पर हमला बोला। अगर बीजेपी अमर बावरी को 4 साल पहले ही नेता प्रतिपक्ष बना देती तो ये सारी मुसीबतें नहीं होती। पता नहीं सुदेश महतो जी पूरी बातों को समझते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। जब नेता विपक्ष का नाम सही तरीके से दिया जाता है तो अमर बावरी जी का हो गया। ये 4 साल पहले भी हो सकता था। आप किसी दल बदल करके आने वाले व्यक्ति को सीधे आप चाहेंगे कि विधायक दल का नेता बना करके, ठीक है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जो वहाँ सदन को चलाते हैं विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जब तक उसके दल बदल पर कोई निर्णय नहीं ले लेते हैं तब तक उनको विपक्ष के नेता का दर्जा कैसे मिल सकता है। तो थोड़ा समझने में फेर है, या यूं कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इस तरह का बयान दे रहे हैं। बहरहाल भले ही लेट से, लेकिन आखिरकार झारखंड को विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष मिल ही गया। ऐसे में अब काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा के सत्र में किस तरीके से अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।